हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम एवन कोचिंग। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? आई होप सो बहुत ही बढ़िया से होगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे और जो वीडियोस आ रही है उसको भी आप एंजॉय कर रहे होगे। तो जैसा कि मैंने बात की थी कि ICSE की सीरीज चलेगी क्लास 10 कमर्शियल स्टडीज की, तो चलिए उसी को आज हम आगे लेके चलते हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ बजट्स, कितने तरह के बजट्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने देख लिया था कौन कौन से बजट्स होते हैं। तो आई थिंक वहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं आया है वो देख लें, जो पहली बार चैनल पे आए हो पहले जाके उस वीडियो को देखें ताकि उनको जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उनको और अच्छे से समझ में आ सके। ओके बच्चों, तो आज हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था जिसका नाम था यूटिलिटी ऑफ बजट, या आप कह सकते हो क्या क्या एडवांटेज होती है हमारी एडवांटेज ऑफ बजट। तो उसको आज हम देखेंगे और इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, और आज की वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूटिलिटी ऑफ बजट्स क्या होता है। ओके ओके बच्चों, तो यूटिलिटी ऑफ बजट, पहले देखिए समझिए यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। एक तरह से वैल्यू, उस किसी भी चीज की वैल्यू होना, उपयोगिता होना। तो ऐसा क्या है कि बजट की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है। ऐसी कौन सी बात है बजट में, सोचिए कि हम लोग खान छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, हर चीज का हम क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं। चाहे वो पर्सनल काम हो चाहे वो प्रोफेशनल काम हो, शादी वगैरह हो रही हो या फिर बिजनेस में कोई सामान बनाने जा रहे हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होने जा रहा है, तो हर चीज का क्या बनता है बच्चों? बजट बनता है। पहले बजट बनता है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वही हमें आज देखना है। तो पहला है क्या है बच्चों? साउंड प्लानिंग। अब साउंड प्लानिंग का मतलब यहां पर क्या है? मतलब देखिए, कोई भी बजट बनता है तो उसमें सबसे पहले क्या होती है? प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। तो और आपने सुना होगा, हमेशा बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी आप कोई भी काम करो तो उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है? तो इसलिए कोई भी काम करो तो प्लानिंग के साथ हो। तो जब भी कोई भी काम होता है तो उसमें हम लोग बजट बनाते हैं। तो बजट में क्या आ रही है? साउंड प्लानिंग, मतलब कोई भी काम बनता होता है तो प्लानिंग के साथ होता है, ठीक है? तो देखिए, बजट मेक्स प्लानिंग पर्पसफुल एंड प्रिसाइज। तो बजट क्या करता है, मतलब एक जो प्लानिंग बनाते हैं उसको पर्पसफुल बनाता है और साथ ही साथ प्रिसाइज, प्रिसाइज मीन होता है सटीक, एकदम सही से जो है बनाता है, ठीक है? बजट्स हेल्प टू मिनिमाइज स्नैप जजमेंट एंड अनप्लान्ड एक्शन। बजट्स क्या करता है? मिनिमाइज करता है किसको? स्नैप जजमेंट को। स्नैप जजमेंट मतलब जो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है? और तुरंत जो डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, उसी वक्त जो डिसीजन लिया जाता है वो कभी भी बच्चों सही नहीं होता है। और बजट्स में क्या होता है, हम लोग एक प्लान करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो बजट्स क्या करता है? बजट हेल्प करता है मिनिमाइज स्नैप जजमेंट, मतलब तुरंत डिसीजन लेने से हम लोग को क्या करता है? बचाता है। एंड अनप्लान्ड एक्शन, ऐसा एक्शन लेने से हमको बचाता है जो हम जल्दबाजी में गलत ले सकते हैं। तो बजट क्या करता है? बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और स्नैप जजमेंट मतलब तुरंत डिसीजन लेने से हमको क्या करता है? बचाता है, ठीक है? समझ में आया? साउंड प्लानिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है? साउंड प्लानिंग, डेट मीन बजट जो भी होता है प्लानिंग के साथ होता है, इसलिए किसी भी काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। ओके बच्चों, तो ये पहली एडवांटेज होगी। सेकेंड क्या है? हायर एफिशिएंसी। हायर मतलब क्या होता है? ज्यादा उच्च। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? क्षमता। तो जो भी काम हम लोग करते हैं तो उसमें हायर एफिशिएंसी लाता है बजट। बजट क्या करता है? हायर एफिशिएंसी लाता है, मींस पैसा ज्यादा लाता है काम करने की, जो वहां पे मोटिवेटर है मतलब सॉरी एम्प्लॉइज है उनको काम करने की क्षमता को भी वो क्या करता है? बढ़ाता है। तो देखिए क्या बोला है, बजट्स हेल्प मैनेजमेंट इन ऑब्टेनिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन। मतलब बजट क्या करता है? मैनेजमेंट को हेल्प करता है मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने में कि जो भी वो सामान लगा रहे हैं तो पहले से एक आइडिया है बच्चों हमें पहले से कि हमें कितना सामान लगाना है। हम मतलब जो भी सामान बना रहे, जो भी बनाने जा रहे हैं, तो पहले से जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमने एक लिस्ट बना रखी है। हमने क्या करी, एक लिस्ट बना रखी है कि भाई ये सामान लगेगा, तो किसी भी तरह से कोई भी गलत सामान प्रोडक्शन में नहीं लग पा रहा है। तो इससे हमें क्या होता है? मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है? मोस्ट प्रॉफिटेबल मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो बच्चों बजट बनाएंगे
तो काम करने की वैल्यू बढ़ेगी, लोग ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और प्रॉफिट भी क्या होगा हमें ज्यादा होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि देखिए कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें अगर आपको पता नहीं है कि किसको क्या काम करना है, सपोज मैं कहीं पे जॉब करता हूं, मतलब मैं एक मैनेजर हूं, मुझे और लोगों से काम कराना है, तो जो हमारे एम्प्लॉय है मुझसे बोला कि इनसे काम कराना है, अगर किसी को पता नहीं है कि उसका क्या काम है तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो बजट क्या करता है, बजट में हम लोग सबको क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि भाई ये आपका ये काम है, सेल्स डिपार्टमेंट आपको देखना है, परचेस डिपार्टमेंट आपको देखना है, जितने भी डिपार्टमेंट है सबको अपना अपना हम लोग क्या कर देते हैं, काम बता देते हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं। तो पहले से ही हम लोग बजट में डिसाइड कर लेते हैं किसको कौन सा काम देना है, ठीक है। तो बजट हेल्प टू स्टेब्लिश डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी सबको डिवाइड कर देते हैं और डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट को लोग हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर देते हैं, बता देते हैं, क्लियर है इतना। लास्ट, दे प्रेवेंट बकवासिंग। बकवासिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो लोग होते नहीं, कुछ लोग जो अपना काम किसी और को देने लगते हैं, ठीक है, खुद नहीं करते हैं, किसी और को देने लगते हैं, तो उन सारी चीजों से बचाता है। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई अपना काम किसी और के ऊपर नहीं सौंपता है, सब अपना काम खुद से करते हैं, ठीक है। तो दे प्रेवेंट बकवासिंग एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मैनेजर। तो जितने मैनेजर्स होते हैं या फिर जितने एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपना काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में बजट जो है हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अब बाकी के जो 2 पॉइंट्स और बचे हैं उसको भी आके एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके बच्चों, जल्दी से आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बच्चों, तो हमारा 4th पॉइंट है सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो 4th यूटिलिटी ऑफ बजट क्या है, मतलब 4 एडवांटेज क्या है हमारी, सोर्स ऑफ मोटिवेशन मींस जो बजट बनाते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। कैसे मिलता है, बजट रिप्रेजेंट द माइलस्टोन टू बी रीच। बजट क्या रिप्रेजेंट करता है, माइलस्टोन मींस क्या हमें अचीव करना है। तो जब हम कोई चीज देखेंगे कि हमें अचीव करना है तो और हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है तो क्या उसको हम अचीव करने के लिए जो है मोटिवेट नहीं होंगे। अगर हमें कोई बता रहा है कि ये हमारा बजट है और 1 करोड़ रुपीज हमें प्रॉफिट होने वाला है तो क्या उसको हम पाने के लिए मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे, मोटिवेशन आएगा अंदर से कि नहीं आएगा। तो उसी तरह सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है बजट। बजट देख देख के क्या होता है, मोटिवेशन आता है। जैसे आपको बता दिया जाए कि आप इतना पढ़ोगे तो आपका 100 out of 100 आएगा तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो उसी तरह मोटिवेशन आता है बजट्स को देख के। अगर एक बजट है आपको पता है कि हमने ये अचीव कर लिया तो हमें ये मिल जाएगा तो आपके अंदर भी क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो बजट रिप्रेजेंट द माइलस्टोन टू बी रीच, दे टेल पीपल व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो उसके बारे में बताता है कि क्या एक्सपेक्टेड है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप ये क्या करोगे, अचीव कर लोगे। बजट्स बिकम द गोल्स और टारगेट टू बी अटेंड, मतलब बजट क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें हमारा क्या टारगेट है, हमारा क्या गोल है, हमें क्या अचीव करना है। और जब हमें अपना गोल और अपना टारगेट पता है तो उसको हम देख के क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आपको पता है कि ये काम करने के बाद हमें अच्छा होगा, रीजन आपको पता है कि हमारे लिए प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आता है ना। तो उसी तरह बजट बनाने के बाद लोगों को एक तरह से मोटिवेशन का जरिया है बजट, ठीक है। 5th पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन। बजट कोऑर्डिनेट एक साथ मिलके काम करने में भी हेल्प करता है। आपने बजट बनाया तो बजट कभी एक पर्सन की ज्यादा तो नहीं बनता है, कई लोग मिलके बनाते हैं, पूरा मैनेजमेंट मिलके बनाता है, तो जो भी डायरेक्टर होंगे मैनेजर होंगे सब मिलके बनाते होंगे। तो एक साथ काम करने में कोऑर्डिनेट करने में भी बजट हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये भी इसकी क्या होती है, यूटिलिटी बोल सकते हैं या एडवांटेज होती है, ठीक है। तो बजट फोर्स एग्जीक्यूटिव टू थिंक
एज अ ग्रुप। तो बजट क्या फोर्स करता है एग्जीक्यूटिव्स को कि एज अ ग्रुप सोचने के बारे में, सब मिलके सोचते हैं। बजट्स आर प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद वन अनदर। तो बजट कैसे प्रिपेयर होता है, कंसल्टेशन करके, एक साथ कंसल्ट करके विद वन अनदर, सबके साथ मिलके प्रिपेयर होता है। तो कोऑर्डिनेशन एक तरह से इसका क्या होता है, एडवांटेज होता है। सिक्स पॉइंट क्या बच्चों, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब होता है एक तरह से सौंप देना, किसी को दे देना भाई कि ये काम आपका है, आप करो। तो डेलीगेशन और अथॉरिटी, किसको एक अथॉरिटी मिल गई कि हाँ ये मेरी अथॉरिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बजट्स क्या करता है, अलाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। मतलब किसी भी तरह कंट्रोल खोए बिना आप क्या कर सकते हो, बजट बना सकते हो। उसमें आप ये कर सकते हो कि जो मैनेजर है उसको आप एक तरह से फ्री कर सकते हो कि जो हमने बजट दिया है आप उसमें ये काम करो, ठीक है। हमने एक बजट बनाया और जो मैनेजर उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको इस बजट के अंदर ये काम कराना है। ये सारे हमारे क्या होते हैं बच्चों, यूटिलिटी ऑफ बजट्स होते हैं। इसमें जितने भी हम सारी हमारी क्या होती है, एडवांटेज होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख के जाइएगा, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो आने के चांस है। लॉन्ग में आता है तो 5 लिखिएगा, मैंने आपको 6 बता दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ले लिया होगा, और बस इतना ही है आपके इस चैप्टर में। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं, उसके लिए घबराइएगा मत, क्योंकि वो टॉपिक्स जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बस सिलेबस देखिएगा, अगर कोई टॉपिक रह जाता है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। बट मेरे तरफ से चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो गया है, ओके बच्चों। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जो हमारा जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इस वीडियो को देख सके और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके, ओके बच्चों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।